सिनेटोला इंटा पेश करते हैं क्या सिंह। इस खूबसूरत रईस बस्ती में वक्त के हाथों बर्बाद हुए। पुराने रईसों के कुछ ये पुराने बंगले भी हैं। आप हैं मुर्गी नवाब नंदकुल, बाप दादाओं की अय्याशी ने रियासत बर्बाद कर दी। गुजर बसर के लिए नंदकुल ने मुर्गियां पाल ली और जमाने ने उन्हें खिताब दे दिया मुर्गी नवाब का। और ये बंगला है राय बहादुर केदारनाथ की तबाही का सबूत, जिसे अब उन्होंने पूना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे अपने इकलौते बेटे शेखर के लिए छोड़ दिया है। आप हैं पर्वत सिंह, राय बहादुर के खानदानी नौकर। आप बंगले की साफ सफाई करते हैं, देखभाल करते हैं और साथ साथ पड़ोसी की मुर्गियों पर भी नजर रखते हैं। क्या हुआ मेरे बेटे को? अरे क्या हुआ मेरे बच्चे को? अरे बाहर, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे ओ मुर्गी नवाब, अपन मुर्गी संभाल के रखा करो। अब अने एक बिल्ली दबोच के ले गई है तुम्हारी मुर्गी, फिर तुम हमारा नाम लगाओगे। अबे इतनी छोटी सी बिल्ली इतने बड़े मुर्गे को कैसे ले जा सकती है? अरे जैसे रोज ले जाते हैं और कैसे। हाल बिला कुवत, रोज एक मुर्गी गायब हो जाती है। खुदा गौर करे इन बिल्लियों को, हराम के पिल्लों को। दरअसल बेचारे पर्वत का उसमें कोई दोष है ही नहीं। अपने मालिक के इकलौते बेटे शेखर और उसके दोस्त आकाश के कड़की के दिनों में खाने पीने का प्रबंध करना भी पर्वत सिंह की ही तो जिम्मेदारी है। शेखर का शाही शौक है चित्रकारी, जिससे बंगले की दीवारें तक परेशान है। उधर आकाश को शौक है कविता का, लेकिन ये कलम और दिमाग से भी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कागजों का। शाही शौक से तबाही के एक और शिकार है विचित्र सिंह, शेखर के दोस्त और पड़ोसी।
आप पहले बंबई में रहते थे और विचित्र सिंह नौटंकी करने लगे, लेकिन श्री फौजदार सिंह कोतवाल एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने खानदानी जायदाद को तबाही से बचाकर अपने पास रख लिया है। ये जायदाद है उनकी अनाथ भतीजी अंजू की, जिसने उनकी बेटी सीमा के साथ बीए तक तालीम हासिल की है, और अब उनकी दोनों लड़कियां इंतजार कर रही हैं किन्हीं दो खुश नसीबों का घर बसाने का। लेकिन उन्हें क्या मालूम कि उन्हीं के कॉलेज के दो बदनसीब साथी पिछले 3 बरस से मोहब्बत की जीप के पीछे अपनी टमटम दौड़ाते रहे। उसके पीछे हाथ है एक डर का, एक दहशत का, और वो है कोतवाल साहब की दूर दूर तक मार करने वाली दूरबीन, जिसे वो आंखों पे चढ़ाए दिन भर बंगले का पहरा दिया करते हैं। लेकिन वो नहीं जानते कि अब रात के अंधेरे में एक और दूरबीन उनसे छुप कर उनके बंगले की खिड़की तक जा पहुंची है। अबे फोकस तो ठीक कर। अब शिखर, शिखर कुछ दिखाई दे रहा है? शिखर अभी कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं? अंधेरा। अंधेरा? अंधेरे में खूबसूरत चांद। चांद? सर से पैर तक चांदनी में नहाए हुए। और मेरा चांद? तेरा? अबे हट शिखर। मैं मान गया तुझे। क्या दूरबीन बनाई है तूने? अरे बुढ़ा गया, अब साला खिड़की भी बंद करेगा। साला लड़कियों पे सांप की तरह कुंडली मार के बैठा रहता है सुसरा। पांडुओ, आज हम ना तुम्हारी चाय खाएंगे ना सिगरेट पिएंगे। आज हम बिजनेस टूर पे हैं। सुरमा बेच रहे हो क्या? नहीं, आज हम आंखों की ठंडक के लिए एक वैरायटी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें गाना, खाना, पीना और बजाना होगा। और उसके लिए हम ये 2 टिकटें तुम्हारे लिए लाए हैं। 20 रुपए कैश। वैरायटी प्रोग्राम? यार अगर हम 2 टिकट के बदले तेरे से 4 टिकट ले ले तो। 4 टिकटें? हाँ, उधार में। जब मेरी आंटी आ जाएंगी मैं तेरा 1 नहीं 10 शो करा दूंगा। जब मामला दोस्ती और पड़ोसी पे आ गया तो हुजूर 4 टिकटें ले लो, ये लो 2, ये लो। मगर मित्र मेरी दोस्ती पर कैंची नहीं चला देना। यार ये आइडिया तो जम गया, लेकिन ये टिकटें हम लड़कियों तक कैसे पहुंचाएंगे? तू फिक्र मत कर दोस्त, सब कुछ ठीक हो जाएगा। खसीदाराम जिंदाबाद। चले शिखर, आज मैं अंजू को सब कुछ बता दूंगा। अंजू, मैं भी सीमा को सब कुछ बता दूंगा। सीमा, धड़कन भी तू,
खुशी। अंजू जी कैसे हैं आप? दरअसल मैं आप ही से मिलने आया था। ये टिकट। टिकट जी, वो बीए के बाद आप लोगों ने कॉलेज में एडमिशन ही नहीं लिया। वो क्या है ना, अंकल आजकल हमें संगीत सिखा रहे हैं। जी हाँ। संगीत? वाह, वैसे शेखर और मैं भी संगीत प्रेमी हैं और इसीलिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम रखा है और ये टिकट उसी प्रोग्राम के हैं और आप लोगों को आना ही होगा। लेकिन ये प्रोग्राम है कब? बस अगले हफ्ते। लेकिन परसों तो हम लोग कश्मीर जा रहे हैं। कश्मीर? लेकिन आप फिर वापस कब आएंगे? अब हम लोग वहाँ से वापस नहीं आएंगे, डैडी हमारी शादी कर रहे हैं। शादी? इतनी छोटी उम्र में? हम लोग सोच रहे थे कि जाने से पहले अगर एक बार मिल लें तो। मिल लेते क्यों? बस यूं ही, क्या है कि कॉलेज में 3 साल साथ साथ पढ़े और मिलने का मौका ही नहीं मिला। नहीं नहीं नहीं, अगर अंकल को पता चल गया तो हमारे साथ साथ आप भी लपेटे में आ जाएंगे। शेखर, तूने कुछ सोचा क्या? मुश्किल है दोस्त। देख, अगर लड़कियां बाहर आ भी गईं, तो हम उनके साथ ठीक तरह से बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो कोतवाल कभी भी आ सकता है और वो हमारे घर आएंगी नहीं, क्योंकि हमारे घर में कोई औरत है नहीं। We are bachelors. Problem. दोस्त, अगर किसी बने बोलो हमारे घर में आ जाती ना तो बात बन जाती। लेकिन कल तो वो कश्मीर जा रही है। और आज वो भी तो हवाई वाली है। कौन? इनके आंटी। अरे मैं तो भूल ही गया, आंटी मुझे उनका इंटरव्यू लेना है। आई मीन नहीं मिल सकता है। लेकिन मुझे लेना है। मिल ही नहीं सकता है। लेकिन मुझे लेना है। अरे मैं कह रहा हूँ, जब घरे में इंटरव्यू है ये नहीं तो तुमको कहाँ दे देंगे। अरे मिस्टर भाई साहब, इंटरव्यू कोई चीज नहीं है, चीज आई मीन थिंग नहीं है तो फिर तुम मांग क्यों रहे हो। अरे भैया, इंटरव्यू का मतलब है बातचीत बातचीत, आई मीन टॉक टॉक। आज प्रादेश रूम की करोपति आंटी आने वाली है यार, जिसकी खबर अखबार में छपी थी। हाँ। और जिन्हें तूने देखा था कि नहीं? देखा तो था, लेकिन तब मैं 21 महीने का था यार। क्या नाम बताता हूँ? बेगम सलमा, खतीबुल्लाह खान, खलीफ फतूल, मुख शमशी, यार जंग बहादुर, इकबाल भाजी, आकाश। मैं दिल्ली हरबड़ी से आया हूँ। दिल्ली हरबड़ी मेरे अखबार का नाम। बेगम वगैरह वगैरह आपके सब आज लंच लेने वाली है ना? लंच में तो मैं आऊंगा ही, लेकिन उसके पहले चाहता हूँ कि आपसे कुछ निजी सवाल पूछूं। निजी सवाल? जी हाँ, जैसा कि आपके माँ बाप के मरने के बाद आपकी आंटी आपके सब कुछ है, आई मीन एवरीथिंग। जी हाँ। और आपको ब्रदर से अभी भी पैसे भेजती है, आई मीन मनी।
जी हाँ। और उन पैसों से आप काफी ऐश करते हैं। ऐश ऐश आई मीन व्हाट डू यू मीन। खैर कोई बात नहीं, शादी से पहले बेगम का कोई इश्क था, आई मीन रोमांस। हे मिस्टर, तुम अपने सवालात लेकर यहाँ से फूटो और लंच में मत आना, समझे? हाँ सर। गुड मॉर्निंग बेगम, सलमा हमारे साथ लंच नहीं ले रही है। क्या परबत, इनका इंटरव्यू ले लो। इंटरव्यू लीजिए। अरे हम तुमसे कह रहे हैं कि हमारे साहब लोग बिजी है। मैं कमिंग टू लंच। आकाश कम बन गया। कैसे यार? देख, तेरी आंटी रही एक करोड़पति विवाह, ठीक है, लंच पे आ रही है, ठीक है, उनके साथ साथ लड़कियां भी आ रही है। कैसे यार? एक मिनट, मिस्टर बाबा सिंह तो है बेशरम पत्रकार रहा साहब। एक मिनट, आप जरा ये घसीट आपको दे दीजिए और बोलिए श्रीमान फौजदार सिंह को साल के घर में फेंक दे। समझ गए ना? ये सब हमरे समझ में नहीं आवा था सरकार। ये घसीटा जाना, ये घसीटा जाना। चुप। अंजू और मिस सीमा, मुझे आपके साथ लंच लेकर बहुत खुशी होगी। आकाश की आंटी बेगम सलमा खतीबुल्ला खां खलीफतुल मुल्क शमशीर यार जंग बहादुर। नोट, जरा जल्दी आएगा, जल्दी आइएगा। हाँ? बेगम सलमा, ये वही औरत है जो आज ब्राजील से आने वाली है। हाँ, अरे कितनी अमीर औरत है, करोड़पति विधवा है, पूरे ब्राजील में नाम है उसका। मतलब कितनी अमीर औरत का भांजा है आकाश। हाँ, और शेखर भी तो राय बहादुर केदारनाथ का बेटा है। लेकिन अब क्या किया जाए? जवाब आएगा भाई साहब। अरे भैया जरा देखो तो सही। मेरी अंजू आ रही है, मेरी सिमा आ रही है, मेरी अंजू आ रही है, मेरी सिमा आ रही है, मेरी अंजू आ रही है, मेरी सिमा आ रही है, हमारी सिमा आ रही है। एक प्रॉब्लम के बारे में तो सोचा ही नहीं। क्या यार? आंटी के बहाने लड़कियां आ जाएंगी, राइट, और हम लड़कियों के साथ बिजी हो जाएंगे। दैट्स राइट। लेकिन आंटी को कौन बिजी रखेगा यार? एक काम करें, आंटी का साथ देने के लिए किसी को बुला लें। आइडिया इज गुड देन, लेकिन आदमी होना चाहिए कोई उनकी उम्र का। लेकिन उनकी उम्र उम्र कब मिल गया? हाँ तो सही है, कपड़े वपड़े पहनकर हमारा पर्वत सिंह भी कोई फैजाबादी प्रिंस लगेगा। तो फिर मिस्टर पर्वत यार, लेकिन खाना कौन बनाएगा? तो यार वो मुर्गी वाला नवाब कैसा रहेगा? सनकिया है साला, आंटी से बदतमीजी कर बैठेगा, ऊपर से लड़कियों को लाइन भी मारेगा। ट्रू। जिसे ढूंढते थे गली गली वो घर के पिछवाड़े मिली। आंटी को खूब बिजी रखेगा। देखो भाई, अभी मैं जरा जल्दी में हूँ, एक आठ आने दे दो। क्यों? मुझे एक संगीत सम्मेलन में जाना,
अली बहार खान साहब के कॉन्सर्ट में। ऐसे भी क्या जल्दी यार, आज हमारे साथ लंच ले ले। क्यों क्यों क्यों? मेरी आंटी आ रही है। अरे यार ऐसे कड़की के आलम में किसी की आंटी का आना बेर चेक के बराबर। देखिए इस वक्त हमें तुझ जैसे एक नौजवान और हैंडसम लड़के की जरूरत है जो एक निहायत ही खूबसूरत औरत का दिल बहला सके। कौन सी औरत? मेरी आंटी। आंटी? अबे देखने में कैसी है? 36, 24, 36? अरे यार ये भी पहली बार उनसे मिल रहा है। वैसे औरत करोड़पति और बेवा है। अच्छा नाम तो बता यार। बेगम सलमा खतीबुल्ला खान खलीफतुल मुल्क शमशेर अंजुम महतूर। नहीं समझा? नहीं। बेगम सलमा खतीबुल्ला खान खलीफतुल मुल्क शमशेर यार जंग बहादुर। अरे बाप रे ये तो मामला 64, 54, 64 का है। मैं चला मुझे। अरे इधर चला तू, आकाश की आंटी को मिल के तो देख। ऐसी मजेदार बुढ़िया तूने देखी नहीं होगी। आहा बुढ़िया और वो भी मजेदार है। तुम लोग अपने आप को मेरा दोस्त कहते हो? अरे शर्म करो, कोई स्वीट 16 गोइंग ऑन 17 की बात होती ना तो मैं लंच के बाद डिनर, डिनर के बाद मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने को तैयार हो जाता, लेकिन बुढ़िया नहीं, माफ करो। ए, मेरे भाई सुन तो सही। हाँ दो खूबसूरत लड़कियां भी आ रही हैं। खूबसूरत? बैठो ना बैठो। कितनी बोला? दो दो दो। वाह 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 बड़े समझदार हो, मतलब दो खूबसूरत लड़कियां तुम दोनों के लिए। अब वो बुढ़िया खूबसूरत मेरे लिए ना बाबा, मैं चला। यार देख मजाक मत कर। देख दरअसल बात यह है हम दोनों को इश्क हो गया। हाँ यार इश्क हो गया। क्या 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 बोला? इश्क हो गया? एक बार फिर से बोल। देख मजाक मत कर, ये हमारी जान जा रही है। यार वही दोनों तो आज लंच पे आ रही है। ओ तो तुम दोनों चाहते हो कि तुम्हारी शादी की बातचीत मैं चलाऊं? वाह 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 दे। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, वो हम खुद संभाल लेंगे। अबे तुझे क्या पता इश्क क्या होता है? मालूम है। नींद गायब, भूख लापता, मैं भी इश्क का मारा हुआ हूँ दोस्तों। मारे गए गुलफाम। आशिक होकर तुम आशिकों की मदद नहीं कर सकते? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, मुझे आज एक ड्रामे की ड्रेस रिहर्सल पर भी जाना है। ड्रेस? हाँ। अरे ड्रेस रिहर्सल है ना? हाँ। तेरे पास ड्रेस है ना? हाँ। तो यहाँ नहीं हो सकती? अरे पर्वत सिंह। सीमा अभी भी सोच ले, अगर अंकल को पता चला तो दरवाजे से निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग खिड़की से निकल जाएंगे। अच्छा सुन, डैडी तो शाम तक वापस नहीं आने वाले, ठीक है ना? चल। अच्छा सुन ना, ये लोग तो बैचलर्स हैं। हाँ। अकेले रहते हैं। हाँ। अगर आंटी नहीं आई तो मुझे तो डर लगता है। सुन, अगर आंटी नहीं आई ना तो हम लोग वापस आ जाएंगे, ठीक है? ये सब तो मुझ पे छोड़ दे। चल come on, ड्रेस ले आए साहब। अरे अरे पर्वत सिंह यू आर ग्रेट यार, मुझे अपने कमरे से कभी कोई चीज नहीं मिली, ये फौरन ढूंढ के ले आता है। एक दो रुपए देना। ये आकाश दो रुपए देना। पर्वत भैया जी जरा दो ही रुपए दे दो। ये ले। थैंक यू पर्वत सिंह। हाँ साहब। थैंक यू सो मच, ये दो रुपए तुम्हारी बख्शीश। ले लो ले लो ले। तू डर रही थी ना, यहाँ तो कोई भी नहीं है। बड़े अजीब लोग हैं, शायद वो लोग अंदर होंगे। अंदर अभी सरकार माटाला, अब क्या होगा? और आंटी का कुछ पता ही नहीं। आइए 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 पधारिए। नमस्ते जी। हाय सीमा। हाय आकाश। प्लीज कम इन। हम लोग लगता है जल्दी आ गए। नहीं आंटी बस आने वाली। आइए ना, हम आपको हमारा घर दिखा के लाते हैं। आपने खत में सही वक्त क्यों नहीं लिखा? जी वो क्या है कि बहुत खूबसूरत घर है आपका। वैसे कोई खास नहीं, लेकिन आपके आने से और भी खूबसूरत हो गया। ये ड्राइंग रूम आपका है? जी मेरा कमरा उधर है। आकाश तुझे याद है, तुझे एक बार ये इतनी बड़ी ट्रॉफी मिली थी, वो वाली? हाँ
अच्छा याद है ना, हाँ वो अंजी को दिखा के लाना, वो अच्छा कभी है। याद आया। और शेखर हाँ? तू सीमा को अपनी वो वाली पेंटिंग दिखा ना। कौन सी? झाड़ वाली नहीं, वो बैल वाली। अरे वो समझ गया ना, इतनी है। हाउ सैड। बलो सिंह चाय चाय लो। नहीं नहीं रहने दीजिए, हम लोग चलते बाद में फिर आए। चलो चलो आंटी, पानी वाली है ना, ठंडाई पीजिएगा। और चलना, एक मिनट जरा बात सुनिए। बैठिए। क्या बात करनी? वो बहुत दिनों से तो आपसे कोई बात ही ना हो पाई। अंजू जी, ये आपकी साड़ी का प्रिंट बहुत ही अच्छा है। ये साड़ी सीमा की है। हाँ, गुड चॉइस। चॉइस अंजू की है। खैर अच्छा हुआ आज आप आ गए। कल तो आप लोग कश्मीर जा रहे हैं। कश्मीर? दूर पथरीली वादियों में हम और तुम और तुम नहीं, और हम आपसे नहीं कराया, जिससे कह रहे आपसे बिल्कुल। आंटी अभी तक मैं आई। आंटी बस आती हूँ। सुनो चल चलते चल। हाँ चलो। अच्छा हम लोग तो चलते हैं। लेकिन कहाँ? शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। अरे बाबा हम लोग तो शॉपिंग करने ही जा रहे थे ना। हाँ चलो हम लोग अभी आते हैं। हाँ आंटी भी आ जाएगी, इसमें घबराने की क्या बात है। जब तक आप इंतजार कीजिए हम लोग आ जाएंगे। हाँ हाँ बाबा आ जाएंगे आ जाएंगे। चलो चलो चली गई कहीं। देखा जैसे मालूम हुआ कि आंटी नहीं आई, दोनों चली गई। अब क्या होगा? अब क्या होगा, जल्दी एयरपोर्ट जाओ, टाइम हो गया। अब ये नहीं पूछना एयरपोर्ट क्यों जाना है। वैसे यार अंजू से मिलकर दिल के तपते रेगिस्तान पर जैसे बारिश की पहली फुहार पड़ गई। बाबा बाबा कबीरज के बच्चे, अबे फोड़े तो पड़ गई, अभी जूते पड़ेंगे, इसका भी ख्याल है। चल मार डाला यार। हाय वो कंबख्त, नामाकूल, नामुराद, नाक में दम कर दिया। अमर साहब दादे। नमस्ते नवाब साहब। अटीते रहो। हमें कहे की नवाबी, वो वक्त होता तो खाल खिंचवा के भूसा भरवा देते। पर हुआ क्या नवाब साहब? अरे होना क्या है, खुदा कसम 14 मुर्गियाँ देखते देखते लापता हो गई। कभी मुर्गियाँ कभी अंडे, अमा हम तो तंग आ गए। कहाँ है वो बहार सिंह? और नहीं परबत सिंह, कौन कहा था है कि हम मुर्गी चोर हैं? अरे हम कहते हैं, हम कहते हैं। अच्छा तो बता क्या तुमने आज मुर्ग नहीं पकाया? अरे मियाँ इश्क इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। बोलो बोलो बोलो। अरे तो कब मुर्ग पका हुआ है कि मनाई है? देखा बेटा हम ना कहते थे, ये हमारी ही मुर्गियाँ हैं जो आपके बावर्ची खाने में पक रही हैं, हैं? खुदा कसम हम तो खुशबू से ही पहचान गए थे। तो फिर जाके पहचान ले और ले जाओ अपन मुर्गी, नाम लिखा नहीं खा। अच्छा बदतमीज आदमी है, खुदा कसम अब तो राय साहब से ही बात होगी। मतलब सुने सुने क्या हाँ? मुर्गियाँ हमारी, दावतें आपने और हमको दावत नामा तक नहीं। जब बदसौक आदमी है आप लोग, अब तो राय साहब से ही बात होगी। कितनी उड़ाई थी? 16 थे साहेब। 16? पर नवाब कह रहा है 14 उड़ाई आपने। अरे बुढ़वा गिनती में गड़बड़ करके हुई, खुसट जाऊन है एकदम अंगूठा टेक है, और हम पढ़ा ही मिडिल तक। ठीक है मिडिल फेल है सही, लेकिन पढ़ा तो अभी। साली आंटी किधर मर गई? यार एक हेयर पिन मंगवा दे। यार काहे को तंग कर रहा है, तेरे को मालूम है मेरे पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं। सब साले कड़के। परवा सिंह। जी साहब। वो जो मैंने तुम्हें 2 रुपए दिए थे उसमें से 8 आने के हेयर पिन मंगवा दो, बाकी का 1.5 रुपए तुम्हारा। यार वो हसीन कन्याएं कहाँ गायब हो गई? चली गई यार। वैसे गुरु तुम्हारी पसंद का भी जवाब नहीं। ओ, मर गया, लड़कियां वापस आ गई और आंटी का पता भी नहीं। अरे डरी आप? अरे जीते रहो, कैसे? ठीक हूँ। मुंबई एक काम से आया था, सोचा कुछ वक्त भाई साहब भी गुजार दूं। ठीक किया आपने डैडी। अरे हाँ ये तुम्हारा चेक। डैडी डाक से भेज देते। आपने क्यों तकलीफ की? डैडी आपकी तबीयत कैसी है?
अरे मेरी तबीयत का क्या है, पुराना दूध घी खाया हुआ है। डैडी इस वक्त आपकी उम्र कितनी होगी? क्यों तुम बताओ? यही कोई 50-52 होगी, कोई 55-56। कचूट, यू लुक सो यंग। बाकी आपकी सेहत बहुत अच्छी है। आई रियली मीन इट डैडी। बेटा एक बहुत जरूरी बात करना चाहता था, अब वो पहले जैसी बात नहीं रही। खर्चा कुछ कम करना पड़ेगा, तुम तो जानते हो चावल की मिल भी बंद हो गई और कर्जा जूं का तूं है, इसलिए। नमस्कार बड़े सरकार। अरे नमस्कार, कैसे हो? कृपा आपकी। छोटे सरकार, मिस्टर बाबू की हेयर पिन। हेयर पिन? नहीं डरी डरी, वो आप मुंह हाथ धो लीजिए, आपके लिए मैं चाय का इंतजाम करता हूँ। अरे नहीं नहीं, चाय की जरूरत नहीं, बस तुमसे मिलना था, मुलाकात हो गई, मैं चलूं। डैडी अगर आप नाराज ना हो तो एक बात पूछूं? पूछो 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 पूछो। अरे पूछो डैडी, वो बात यह है कि कर्जे की प्रॉब्लम किसी रईस औरत से शादी करके हल नहीं की जा सकती। रईस औरत से शादी मेरी वजह से करोगे? नहीं डैडी, मैं वैसे आकाश की आंटी की बात कर रहा था। अरे तुम पागल हो गए हो, किसी की आंटी से शादी करोगे? मैं नहीं डैडी, मैं तो सोच रहा था। मैं पागल हो गए दत्त? वो आज लंच पे आ रही है, विधवा है, खूबसूरत भी और करोड़पति। करोड़पति? उम्र भी कुछ ज्यादा नहीं है। नहीं नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। डरी मैं तो सलाह दे रहा था। डरी वैसे आप ठहरे कहाँ हैं? मैं इंटरनेशनल क्लब में। लंच पे तो आ रहे हैं ना? तुम कैसे हो तो आ जाऊंगा। बात बन गई। डरी भूलिएगा नहीं लंच 1 बजे। शेखर आंटी नहीं आ रही हैं। क्यों? मैंने सारी फ्लाइट छान मारी, 40-45 तो क्या, 38-39 की भी कोई लेडी नहीं आई। ओहो अब क्या होगा? अच्छा तूने टेलीग्राम साहब? टेलीग्राम को भी इसी वक्त आना था? टेलीग्राम तो बेवक्त ही आते हैं साहब। क्या हुआ? जरूरी काम है, कुछ दिनों बाद आएंगी मेरी आंटी। क्या? ओह नो। आंटी नहीं आ रही है शेखर। नहीं आ रही है? अरे कैसे नहीं आएगी, उसे आना होगा। देखा कश्मीर, तुझे बोल देता हूँ, फोन कर टेलीग्राम पर कुछ कर, लेकिन बुला उनको। 12:15 बज चुके हैं। हो गई छुट्टी, अब लड़कियाँ भी आ जाएगी और आंटी को ना पकड़ चली भी जाएंगी। और बड़े साहब की क्या हुई? उन्होंने टूलेंट पे आवे वाले हैं। पर बात जितनी बार कहा है कि हमार ब्याह कराए दे, अगर आज हमार दुल्हन होता है तो बेगम के पार्ट अदा करते है कि नहीं? ठीक है तो फिर जोनों को तुबरे लोगों के मन में आवे की चले जाओ, हमार का जाए। यार किसी लेक्चरर की बीवी से काम नहीं चलेगा, मिसेस वीपी गुप्ता कैसी रहेंगी? वीपी गुप्ता? अबे शक्ल देखिए इतनी सी, चबा रहा बोले जा रहा चबा। ये हमारा बच्चा उदास क्यों है? बच्चा है ना बेचारा, इसीलिए। नन्ने मुन्ने बच्चे, चलो हम तुम्हें चॉकलेट देंगे, लॉलीपॉप देंगे, आओ अंदर आओ ना। आंटी मैं आई हैव द प्लेजर ऑफ योर डाउन हैंडसम। ओ श्योर मैम, इट्स माय प्लेजर। लड़कियाँ? और अभी तक आंटी नहीं आई। अरे फिकर मत कर यार, आंटी मिल गई। मैं भी कपड़े बदल के आया। अरे इधर चलो, कपड़े बदल गए तो लड़कियाँ भाग जाएगी। लड़कियाँ भाग जाएगी? यार मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुझे आकाश की आंटी बनना पड़ेगा। क्यों आकाश? फैंटेसी में? नहीं नहीं नहीं। अरे हेलो अंजू, सीमा, यह है आंटी बेगम सलमा खतीबुल्ला खान खलीफतुल मुल्क शमशेरिया जंग बहादुर।
आधा बजे। नमस्ते आंटी। हेलो, कैसे हो बच्चियों? आप बताइए आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ, आओ ना बैठो ना। हम लोग पहले भी आए थे लेकिन आप थी नहीं। ओहो, फ्लाइट लेट हो गई। वो एक बार से ना बहुत जल्दी थी, मेरा कलेजा ठक ठक करने लगा था। हाँ, मैं बहुत डर गई थी। ओ स्वीट, एक किचड़ा। अंजू, आंटी को प्यार दो। आंटी, हम बुरे हैं क्या? तुम भी दो। अच्छा ये बताइए, आपका सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा था, बड़ा मजा आया, बहुत खाया, बहुत पिया, बहुत कुछ किया, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। मैं आती हूँ, एक्सक्यूज मी, आई। क्या बात है, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। जी वो कुछ नहीं, दरअसल बात यह है कि मैं अपने आंटी को कई सालों के बाद मिला हूँ ना, इसलिए कुछ कुछ बोल लो। क्या बात? यही कुछ मौसम के बारे में बोल। अच्छा, मौसम है आशिकाना, मेरा मतलब है यहाँ का मौसम बड़ा सुहाना है। ओह आंटी, मौसम सचमुच बहुत अच्छा है, क्यों आंटी? है ना आंटी, आपको हिंदुस्तान का मौसम कैसा लगता है? बेटा आकाश, जरा सुनना एक मिनट, एक्सक्यूज मी, सुनो। बहुत दिलचस्प है आपकी आंटी। आज ही आई हैं, आकाश जब 21 महीने का था ना, 21 महीने का था तब ब्राजील चली गई थी। अच्छा, वैसे वो हिंदू थी लेकिन एक नवाब से शादी कर ली और आज ही वापस आई है, मैं भी उनसे पहली बार मिला। अच्छा, लेकिन उन्हें देख के लगता है वो हमेशा ही रही। जी। इसका मतलब है कि आप लोगों से इतना प्यार करती हैं कि लगता है हमेशा आपके साथ ही रही हैं। वो बात यह है कि माँ बाप और रिश्तेदारों के नाम पर बस यही हमारी एक आंटी है। अभी ये क्या कह रही है यार, तू हिंदुस्तानी नहीं है? ओह, यानी कि इम्पोर्टेड। अच्छा, मेरा नाम क्या बताया था तूने? बेगम सलमा खतीबुल्लाह खान खलीफतुल मुल्क शमशेर यारजंग बहादुर। ओ, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? बगदाद का। अबे रहने वाला नहीं, रहने वाली। वाली वाली। असल में तो हिंदुस्तानी है मगर अब तो एक ब्राजीलियन विधवा है। एनीवे, ये कहाँ है? अमेरिका के पड़ोस में। ओ, अच्छा एक बात बता, मेरा कोई अपना बाल बच्चा है? बकवास मत करता है कि नहीं तू? मारता क्यों है? अच्छा देखो, तुम लोग बैठो, मैं इन्हें जरा महल दिखा के लाता हूँ शिवाजी महाराज का। बच्चों, महल वहल हम दिखाएंगे, तो अब अंदर चुपचाप घुस। आंटी को नसवार लेने की आदत है। आंटी आप हिंदुस्तान तो पहली बार आई होंगी। हाँ, तो चलिए हम आपको पूना फिल्म इंस्टीट्यूट दिखा कर लाते हैं। चलिए ना आंटी। फिल्म इंस्टीट्यूट चल चले। नहीं आंटी, आंटी आपको तो लंच लेना है। लंच? लंच? हाँ। मुझे तो भूख नहीं लगी, तुम दोनों को लगी है भूख? हमारी भूख तो आपको देखकर ही मिट गई। आंटी आपको घर में बैठे बैठे अच्छा लगता है? नहीं बिल्कुल नहीं। तो चलिए ना आंटी, प्लीज चलिए ना। चलिए ना आंटी, आज हमारी बात मान लीजिए, फिर कभी कुछ नहीं कहेंगे, चलिए ना। अच्छा तुम कहती हो तो। आंटी आपको जाना है, आपको जरूरी काम है। मुझे कुछ महल के कपड़े धोने हैं। जी महल? वो क्या है कि आंटी के कपड़े के बिजनेस में थोड़ा, दरअसल आंटी को बिजनेस के सिलसिले में बीसियों काम है, वो बहुत बिजी है। आंटी आकाश जी आपकी बहुत तारीफ करते हैं। अच्छा, आज वो जो कुछ भी है आपकी वजह से। ये तो मेरा फर्ज था अपने भाई की यतीम औलाद के लिए। आंटी भाई की नहीं, बहन की। वही ना, अपनी बहन की यतीम औलाद के लिए मैं कुछ कर सकूं तो। आंटी आप बहुत स्वीट हैं। आप दोनों छत पे चले जाइए। अच्छा, तू किधर चला? कोतवाल आ रहा है। तू कुछ भी कर लेकिन यहाँ से कोतवाल को बताना। मकान तो यही है, क्यों खड़ी हो? मकान तो यही है, अंदर चलकर देखता हूँ। तो?
कहाँ गायब हो गए सब लोग? क्यों कह रही हो कि कहाँ गायब हो गए? यूं नहीं निकलेंगे, अभी जाकर पुलिस पे रिपोर्ट करता हूँ। यूं कह रही हो कि पुलिस पे रिपोर्ट करता हूँ तब निकलेंगे। पता तुझे बताया था, मैंने कहाँ चले गए? क्या चाहिए? आकाश और शेखर यहीं रहते हैं, न्यू कैरियर यहीं रहते हैं, कहाँ गए? चले गए, सब बाहर चले गए, यहाँ सिवाय मेरे कोई और मर्द नहीं रहता। इस चिट्ठी में उनको यही इनवाइट किया है, यूं कह रही हूँ कि यही इनवाइट किया है, वो इस चिट्ठी के हिसाब से यही आई है। आई है तो चली गई, चाहिए इस चिट्ठी को जाकर चाटिए, मुझ बेसहारा औरत के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? छोड़ नहीं आती। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, यूं कह रही हूँ कि हरगिज नहीं जाऊंगा, बस यही बैठा हूँ। तो बैठे रहिए मेरी बला से। क्षमा कीजिए अंजू जी, हमारी वजह से आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। नहीं, दरअसल अंकल कभी नहीं चाहते कि हम लोग घर से बाहर भी निकले, और फिर आप लोग तो यहाँ अकेले। नहीं नहीं, आप बिल्कुल चिंता न कीजिए, आखिर आंटी यहाँ है, वो सब संभाल लेंगी, आखिर वो ब्राजील में 20 साल रही हैं। लेकिन अंकल तो पुलिस में 20 साल रहे। अब क्या होगा सीमा? तुम्हारी हजामत। हजामत? लेकिन सीमा, शरीफ घर की दो मासूम लड़कियों को अपने घर पे लंच पे बुलाने का क्या ये तरीका होता है? सीमा, हम नहीं चाहते थे कि वो कोतवाल अंकल आंटी से मिले। तुम्हारा मतलब है डैडी? नहीं नहीं सीमा, तुम जो सोच रहे हो वो बात नहीं, दरअसल आंटी काफी देर तक हिंदुस्तान के बाहर रही और उनको बहुत मजाक करने की आदत है, और कोतवाल अंकल तो ऊपर क्या है? छत। वो लोग जरूर ऊपर होंगे। अरे अरे अरे, आपको एक शरीफ औरत की बात का यकीन नहीं आता? अगर मैं मर्द होती ना तो आपको धक्का देके बाहर निकाल देती। छी 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 छी, नशे की हालत में आपको लड़कियों को ढूंढने नहीं आना चाहिए, कितने शर्म की बात है। छी, देखिए मैं गुस्से में जरूर हूँ लेकिन नशे में नहीं हूँ। न्यू कह रही हूँ कि नशे में नहीं हूँ। आपकी बात का यकीन कौन करेगा? मैडम, आपने कोई चीज मेरी तरफ आते हुए देखी? देखिए फिर आप कहेंगे कि आप नशे में नहीं हैं। डिस्गस्टिंग, यू कह रही है कि टू डिस्गस्टिंग। तुम जैसे हसीन लड़कियों के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। एक्सक्यूज मी, श्योर श्योर, एक्सक्यूज मी, अभी संभल कर जाइएगा। चलिए ना, संभल कर जाइए। अबे ये बड़े साहब कौन है? अबे मेरे डैडी, जरा होशियारी से। अच्छा एक बात बता दे, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता तो नहीं है ना? How do you do, Mr. Rai Bahadur? I'm fine, thank you. डैडी आपके बाल काले कैसे? नया स्टाइल बनाया। हाँ बहुत अच्छे, कहाँ से काले करवाए आपने? आप मैं आकाश की आंटी हूँ, ब्राजील से आई हूँ, ब्राजील अमेरिका के
खूबसूरत फूल। थैंक यू। यही वो बीमारी जिसके बारे में इतना कह रहा था। डैडी बाहर से आई ना, मॉडर्न है, आप अंदर आइए ना प्लीज। आइए डैडी। मैडम मैं पूछता हूँ कहाँ थी ये लड़कियाँ? आप तो कहती थी कि वो यहाँ आए ही नहीं। कुपल साहब अब बैठिए ना। आप बैठिए मत। मैं पूछता हूँ शरीफ घराने की लड़कियों के साथ ये हरकत की जाती है? कुपल साहब अब बात तो सुनिए। मैं तुम जैसे लफंगों के साथ बात भी करना नहीं चाहता। उनको बात तो करने दीजिए, बात करना नहीं चाहता। देखिए मैडम आप अगर बीच में न बोले तो अच्छा होगा। यू स्टूपिड। क्या हुआ? आप अभी तक नशे में हैं? देखिए मैडम दिस इज टू मच। यू कह रही हूँ कि दिस इज टू मच। मैं फिलहाल अपनी लड़कियों को यहाँ से अपने घर ले जाने के लिए आया हूँ। क्षमा कीजिएगा आप इस हालत में इन लड़कियों को अपने साथ लेके जाएंगे? ये आपकी तारीफ राय बहादुर के दादा मेरा डैडी। मेरा बेटा नमस्ते। और आप हैं? बेगम सलमा खतीबुल्लाह खान खलीफतुल्मुल्क शमशेरियात जंग बहादुर। जंग बहादुर बेगम सलमा खतीबुल्लाह खलीफतुल्मुल्क खलीफतुल्मुल्क शमशेरियात जंग बहादुर। जी खबर हमारे में छप चुकी है जी। मैडम मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे बात नहीं करूंगी। आप यहाँ से बच्चों बदतमीज बुढ़ा हुए और ऊपर से आप अभी तक अपने होश में नहीं है। मैं सब कुछ हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। कर दीजिए ना। हमारे परिया दिल ने आपको माफ किया लेकिन हमारी एक शर्त है। आज दोपहर का खाना आपको सबके साथ खाना पड़ेगा। खाऊंगा मैं तेरिया जरूर खाऊंगा। चलिए मैं कह रही हूँ चलिए। अमित साहबजादे अबे ओ पहाड़। अरे मुर्गी नवाब आप ही आ गए थे। बदतमीज हम ये देखने आए हैं कि वो पकी हुई मुर्गियाँ हमारी हैं या नहीं। देखो मुर्गी नवाब हम हैं जरा जल्दी में, नहीं तो भाई निकाल के दिखा देते तुम्हें तुम्हारी मुर्गी। कौन ससुर कहा था कि हम मुर्गी चोराई? एक तो मुर्गी चुराई ऊपर से पकाई, खिलाना तो दूर रहा देखने भी नहीं देता। अरे कहा तो तुम ऐसे हो जैसे कि पतीला के भीतर से निकल तुम्हारी मुर्गी कही हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं। चले जाओ थाना में रिपोर्ट कर दो। लेकिन भैया पूरे फोन न करो, हमारे साहब लोग लंच ले रहे हैं समझे। लंच वाह वाह लंच का लंच और इंटरव्यू का इंटरव्यू, इसे कहते हम जर्नलिज्म। फिर आए गए भूल गए तुम सवेरे के धक्का? धक्के से हम नहीं घबराते। हड़बड़ में काम करने की पहली शर्त यह है कि धक्के से नहीं घबराना। आई मीन नो फियर ऑफ द हिट। क्या अपने कल सवा लंच ले रही है? ले रही है लंच लेकिन तुमको नहीं मिलेगा समझे। एक सवेरे से ये भी खड़े हुए हैं लंच के लिए, लंच लेंगे। लाहौर मिला कुमत बेइज्जतियां तो बहुत हुई थी जिंदगी में लेकिन ऐसी बेइज्जती तौबा तौबा। क्या आप मुझे अपनी और बेइज्जतियों के बारे में बताएंगे? रियासत चली गई, जवानी चली गई, पति थी मुर्गियाँ वो भी चली गई और मैं भी चला। तो जाओ फिर। हाय केदारनाथ साहब, मेरा मतलब केदारनाथ साहब ये पर्वत से मुर्गा बड़ा अच्छा बनाता है जी। क्यों ना हो खानदानी नौकर है। मैंने आकाश और शेखर की सेवा के लिए यहाँ रखा हुआ है। बेगम साहिबा मुर्गा तो कभी आप मेरे हाथ का बना हुआ खाइए। यूँ कह रही हूँ कि नौकर तो फिर नौकर ही होता है ना। ये तो है ही। कोतवाल साहब अगर आपकी आज्ञा हो तो हमारे साहिब लोग आपके कन्या लोग के छत्रपति शिवाजी महाराज की किला दिखाला हुआ है। नहीं आप कहाँ जाएंगी? लड़कियाँ भी नहीं जाएंगी। अरे कोतवाल साहब क्या गजब करते हैं, बच्चियाँ हैं इन्हें घुमाने दीजिए। हाँ आएंगे जब। मैं तो कहता हूँ कोतवाल साहब आप खुद भी जाके किला देखाइए। मैं किले पे जाऊँ क्यों? मैं तो यूँ कह रहा हूँ कि यही बैठूंगा। जानती हो हमने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया था? क्या है कि ये मौसम ये मौका। अंजू जी मुझे आपसे कुछ कहना है। जी यहाँ नहीं। क्यों? अबे पर्वत इधर। अबे वो गाड़ी साइकिल
स्टार्ट कहीं नहीं कर लेते हो, दिमाग कोनो खराबी है? अबे खराबी गाड़ी में नहीं तेरे दिमाग में है। गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो फौजदार अंकल बाहर आ जाएंगे, समझा? कभी प्यार किया हो तब ना। ऐसी बात नहीं है साहेब, एक बार हमो किए रहे। जब हम मिटिन में पढ़त रहे तो हमरे घर के बगल में रही एक एकदम खलीफे टनाका, बस रोज सवेरे हम यहाँ जाते है और संजा के लौटत रहे, और एक दिन जौन है तेरे प्यार में। क्या कह रहे हैं आप? जी आप आकाश के लिए बोल रही है क्या? आपके लिए भी पूछूंगी। अरे बाबा शुक्रिया, मेहरबानी। कुछ परेशानियाँ हैं, तमन्नाएं हैं, जज्बात है कुछ। जिंदगी भर इंतजार किया, सुनने वाला कोई न मिला। वाह वाह वाह। सीमा, सीमा।
जो कुछ आगे बढ़े अरे क्यों तुम छुड़ाते हो मौसम भी है मौका भी है ऋतु अंजू सीमा तो ये मामला है किला देखने के बहाने गुलछर्रे उड़ाए जा रहे हैं। नहीं पापा वो यूँ कह रही हो कि गुलछर्रे उड़ाए जा रहे हैं यूँ कह रही हो कि गाड़ी लेकर कहाँ गई थी मेरा नाम फौजदार सिंह कोतवाल है यूँ कह रही हो कि फौजदार सिंह कोतवाल है जरा भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो यूँ कह रही हूँ कि बर्बाद हो जाओगी और अंजू कान खोलकर सुन लो अगर तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ भी किया तो एक एक रोटी के टुकड़े के लिए मोहताज हो जाओगी यूँ कह रही हूँ कि मोहताज हो जाओगी आप बीच में क्यों आ रही है अच्छा तो आप यही हैं? ए छोकरो अपनी खाल में रहो अपनी खाल में कहाँ वो शेखर का बच्चा शेखर बेटे मैं तुम्हारे लिए दुनिया की हर कुर्बानी दे सकता हूँ बस तुम खुश रहो जी मैं जानता हूँ डैडी इसीलिए मैंने बहुत सोचा और ये फैसला किया कि मैं किसी पैसे वाली लड़की से शादी कर दूं डरी ये बहुत अच्छी बात है मुझे मालूम था बेटा तुम इस बात से खुश होगे लेकिन डरी वो है कौन अरे अजीब बात है तुम अभी तक नहीं समझे अरे अपनी वो बेगम सलमा क्या क्यों डरी ये हो नहीं सकता तुम्ही ने तो कहा था और तुम्हारी खुशी के लिए लेकिन डरी ये कभी नहीं हो सकता लेकिन क्यों क्या वह चलन है आवारा है या लेकिन अरे वो बात नहीं मैं आपको कैसे बताऊं ये बात नहीं वो बात नहीं कहना भी नहीं चाहती अजीब बात है भाई सुनो बेगम सलमा मुझे बहुत पसंद करती हैं और मैं भी उन्हें बहुत पसंद करता हूँ लेकिन अजीब हाँ फिक्र करने की कोई बात नहीं मैं जात पात को बिल्कुल नहीं मानता देखो मैं जाता हूँ उनसे शादी की बात तय करने के लिए और इससे पहले वो क्या नाम है उसका वो कोतवाल वहाँ आके दमक पड़े लेकिन जदी आप कुछ समझते नहीं वो फिक्र न करो बेटा साहब ठीक हो जाएगा साहब ठीक हो जाएगा डैडी अरे कोई है शेखर ओ शेखर 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 अब तेरे को क्या हुआ यार वो विचित्र ससुरा अंजू को लेकर पता नहीं कहाँ गायब हो गया तुझे अंजू की पड़ी हुई ना हा? या और एक लफड़ा हो गया साहब क्यों क्या हो गया क्या होगा यार मिस्टर विचित्र सिंह मेरी माँ बनने वाला है और डैडी उसके चक्कर में है डाला अगर राज खुल गया तो इतने जूते पड़ेंगे सब कुछ तेरी आंटी की वजह से हुआ है और मैं उसकी नकल कर ही रही थी कि इतने में वो आई मेरी किताब छीन ले मेरी नकल कर आंटी आंटी करके क्या फायदा तो बच्चों तुम बंद जाओ मुझे कुछ काम है क्यों क्यों मैं अभी आती हूँ नहीं नहीं हम भी आती सर हम भी साथ चलेंगे मुझे बहुत जरूरी काम है क्या काम है मेरे को अच्छा अच्छा आप जाइए चल बचपन में थे हम अनजान जवानी में थे नादान बुढ़ापा एक ऐसी उम्र है प्यार को जब समझे इंसान आप जी हाँ किसे ढूंढ रहे हैं आप क्यों कह रही हूँ वही जो आप ढूंढ रहे हैं मतलब ये कि जरा अकेलापन चाहता क्यों कह रही हूँ सॉलिट्यूड वैसे ही सिगरेट पी नहीं सिगार वो सब मैं नहीं पीता यूँ कह रही हूँ कि मैं पाइप पीता हूँ तो फिर अंदर जाकर बैठी ना और तुम्हें सब वही है लड़कों को लेकर कहा गया था है नहीं दूंगा हाथ उल्लू की दुम मैं एक बात पूछ सकता हूँ मेरी इतनी तारीफ क्यों की जा रही है देख बच्चे तू बदमाशी मत कर तू कौन सी बदमाशी यार तू तो हमारी मदद कर रहा था ना ये मदद हुई वही तो है
वही है हाँ। तेरी ऐसी की तैसी बुड्ढों को पागल बना रखा तूने। और लड़कियों के साथ मजे ले रिया था तो उससे क्या हुआ यार? क्या हुआ? अबे होश में आ, इसका बाप तेरे साथ शादी करना चाहता है। अरे वाह, इसका मतलब मैं कितना ग्रेट एक्टर हूँ, मैंने बुढ़ों को उल्लू बना दिया। लेकिन शेखर बेटा, मैं तेरी माँ नहीं बन सकती। यार मैं तेरे से हाथ जोड़ता हूँ, मैं चाहता हूँ भांडा फोड़े। अरे कौन सा भांडा यार, इधर टेंशन में प्रेशर हाई हो रहा है क्या? अरे देखो यार, मेरी तेरे बाप से शादी, दो मर्दों की शादी। अबे मर्दों की बात नहीं, इस वक्त तू एक शरीफ इज्जतदार औरत है, औरत। ये क्या था, तेरा मुंह तोड़ दूं? मैं कपड़े उतार दूंगा, उतार दूंगा। मेरी जान, मेरी बात सुन। अरे चित्र, शांत हो जा। मैं चाहता हूँ किसी तरह तू अपने डैडी, मेरे डैडी मतलब मेरे डैडी को तेरे साथ शादी करने से तू इनकार कर दे। लेकिन यार, बेगम सलमा, बेगम सलमा चल। अरे सुनो, जाने से पहले ये तो बता दो मैं उनसे बात क्या करूंगा। आज से पहले मेरा कोई मर्द आशिक नहीं हुआ। अरे अरे सुनो, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था, लगता था इंतजार करते करते पत्थर हो जाऊंगा। सच? पूरे दराज मांग के लाए थे चार दिन, दो आरजू में कट गए, दो इंतजार में। आप कितनी खूबसूरत बातें करते हैं। जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। सलमा लगता है मेरी जिंदगी का सपना तुम ही पूरा करोगे। आओ मेरी इस वीरान जिंदगी को फिर से आबाद कर दो। आओ सलमा, आओ। राय बहादुर साहब। राय बहादुर नहीं, मुझे केदारनाथ कहो। अपने मुखारविंद से एक बार मेरा नाम तो पुकारो। मेरे कद्दू, मैं तुम्हारी जिंदगी फिर से आबाद नहीं कर सकती। मैं मजबूर हूँ। हाँ, मैं क्या करूँ? ये क्या कहा, ऐसा ना कहो। मैं मजबूर हूँ कद्दू, मैं तुम्हारी बीवी बनने के काबिल नहीं। क्यों 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 क्यों? हाँ, अब मैं कैसे समझाऊँ? क्या क्या क्या? मैं किसी और की हो चुकी हूँ। नहीं नहीं, अपना दिल ना छोटा करो। मैं तुम्हें एक और रास्ता बता सकती हूँ कद्दू। बताओ बताओ। मैं तुम्हारी बहन बन सकती हूँ। बहन? बस और कुछ नहीं? सिर्फ बहन, ना रत्ती भर इधर ना रत्ती भर उधर। बस करो। मैं समझूंगा कि एक किस्सा शुरू हुआ और शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अब मैं बाहर चलती हूँ, बच्चे क्या सोच रहे होंगे। भैया धीरे से काम लो। अठे, अबे पत्थर काय को मारता है। सीधे सीधे शादी से इनकार नहीं कर सकता था। अबे शादी से तब इनकार करता जब वो शादी की बात करता। एक शरीफ इज्जतदार औरत ऐसा नहीं कर सकती। और तुम लोगों का बस चले ना तो मेरी शादी उस बुढ़ों से करवा के दम लो, और फिर मैं बेसहारा बेचारी अदालतों के दरवाजे खटखटाती फिरूं तलाक के लिए। तुझे किसने कहा था बुढ़ों की खिंचाई करना? अबे मैंने क्या खिंचाई की, उस बड़ों से जाके पूछना। बड़े लहरा लहरा के कह रहा था कि तुम ही मेरी जिंदगी का सपना सच्चा कर सकती हो। हाय हाय, अरे बाप रे। दूसरा बुड्ढा, मजाक मत करो सीमा। देखो तीन बज चुके ना, और तुम कल ही चली जाओगी, मतलब कश्मीर के लिए चली जाओगी। और मैं क्या, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे एक वादा लेना चाहता हूँ, जब तक मैं तुम्हें हासिल करने का काबिल ना हो जाऊँ तो मेरा इंतजार करोगी? इंतजार? काहे का इंतजार? तुम कहीं जा रहे हो क्या? अरे मैं तो सोच रही थी कि मैं कश्मीर जा रही हूँ। ओहो सीमा, नादान ना बनो। तुम्हें मोहब्बत करने का पूरा हक है और मुझे भी, और कानून ने हमें अपने अपने मतलब अपनी किस्मत का फैसला करने का पूरा हक दिया है सीमा। और तुम मेरी किस्मत हो, तो मेरी जिंदगी हो सीमा, मेरी तमन्ना है, मेरी ख्वाहिश है, मेरी वगैरह वगैरह। ओ सीमा, क्या हुआ? मैं समझता था तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो, बेवफा तुम न मुझे समझ सकी, तोड़ दिया ना मेरा दिल। बस शेखर, इतना ही भरोसा है तुम्हें अपनी मोहब्बत पर? एक दिन में ये हालत हो गई तो मेरे साथ सारी जिंदगी कैसे गुजारोगे?
ओ सिमा सिमू मेरी जाने मर मेरी जाने बाहर मेरी चश्मे बुलबुल मेरी गुले गुलजार मेरी वगैरह वगैरह वगैरह। तो फिर कहो अंजू, ये तो मेरे जीवन के भविष्य रूपी कुंज को पल्लवित करोगी, तुम मेरी हो जाओगी अंजू। हाँ काश, मैं तुम्हारी हूँ अंजू। लेकिन इसमें एक कानूनी अड़चन है आकर। वो क्या? वो तो माने हुए जल्लाद हैं, प्रेम के दुश्मन। ये कैसे होगा? ये हो सकता है वो इस काम को कर सकती है। वो कौन? आपकी आंटी। नहीं नहीं नहीं, नहीं। प्लीज जल्दी कीजिए। अरे उन्हें ढूंढिए, मैं अभी सीमा को लेकर। अरे बस करो मेरी जान, बस करो। अब तो बस यूं कह रिया हूँ कि बस जाओ इस उजड़ी हुई दुनिया में। उजड़ी दुनिया? ये तो सड़ी हुई दुनिया है, यूं कह रही हो? सड़ी हुई दुनिया? हाँ। अरे चाहे कुछ भी हो, तुम मेरे लिए सलमा नहीं, मेरा सपना हो, मेरी जान, मेरा सपना। सही जा रहे हो बुढ़ाओ। बोले बे तो दुनिया हमें मिलने नहीं देगी, कली नहीं देगी। सब हो जाएगा मेरी जान, सब हो जाएगा, इंतजार करो। नहीं तो हाय मेरी प्यारी। हाय हाय बलिहारी। अरे समझो ना जोश का ठंडा है, सहारे के लिए एक डंडा है। अरे मूछ मेरी है कहाँ है कहाँ है? यहाँ है। हाँ मूछ मेरी है उठी हुई, अरे जैसे कि ऊंचा झंडा है। Yeah।
बचपन में थे हम अनजान, जवानी में थे हम नादान, बुढ़ापा ही है। पानी लाओ। नहीं नहीं तुम ही आ जाओ। हाँ, बुढ़ापा ही है असली उम्र, अरे प्यार को जब समझे इंसान, अरे आजा नहीं बनता, कर लो जो करना है। बेटा मजाक कर ले तू। अबे हम तेरी जगह होते ना अपनी जान की बाजी लगा देते। दोस्ती का नाम बदनाम करता है ये, नहीं कि उस खूसट बुड्ढे को पालतू बनाकर हमारा काम बना दे। अबे कौन से दांव पेच, मैं तुम लोगों को हजार बार बोल चुका हूँ मैं उस बुड्ढे खूसट के साथ शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। आए फिर बोल तू करना क्या चाहता है। अबे जूते पड़वाने हैं क्या? तुम लोगों के साथ यही होना चाहिए। मालूम है वो बुड्ढा मेरे साथ कैसी गंदी गंदी बातें करता। गंदा छी। कौन? अरे वही बुड्ढा कोतू कोतवाल। क्या कहता है? अरे मुझे बात आती है, तुझे नहीं बताऊंगा। लेकिन बता तो सही क्या कहता है। नहीं तुझे नहीं बताऊंगा। तू मेरा भांजा है। अबे तुझे बताऊंगा। हाँ? अबे वो भांजे की मौसी। हाथ मोड़ दिया। सुन देख, जबान की बात हो तो ठीक है लेकिन वो बुड्ढा खूसर तो हाथ मुंह से बात करता है यार इधर। देख विचित्र बच्चे, हम तुझे अच्छी तरह जानते हैं। शेखर ये इस तरह बात देगा साले को। अरे अरे ठहरो ठहरो, ये बात क्या? कौन से बात क्यों? और क्या? अभी बताता हूँ। ये देखो ये 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 आकाश की आंटी नहीं बोलता यार, दिस इज टू मच। मैं तो तो अब तेरा भी दिमाग चला। अरे भाई ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्या तुझे मजनू ने कहा था हा? कि प्रेम कर हा? यार मैं हाथ जोड़ता हूँ, अब ये ड्रामा बंद करो। कर एकदम खत्म कर देना चाहिए, मेरा भी यही विचार है। शेखर दगाबाज तू हमारा दोस्त नहीं? दोस्ती में तो लोग जान दे देते हैं। तूने मुगले आजम नहीं देखी? सलीम ने तो मोहब्बत के लिए बाप से बगावत कर ली, कली सोच कर ली गई। और वो देखता सलीम अकेला और अकबर की फौजें लाखों। फिर जानता है दुर्जन सिंह ने क्या कहा? क्या? एक राजपूत के वचन पर कट जाने वाले सर भी लाखों हैं शहजादे। और अनारकली को ले आया और खुद शहीद हो गया। लगी तो नहीं? मुगले आजम तो पुरानी फिल्म है, तूने शोले नहीं देखी? नहीं। तेरा क्या होगा कालिया, हम नहीं तोड़ेंगे छोड़ेंगे दम, मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे। और तू अब ठीक है दोस्तों, मैं भी शहीद हो जाता हूँ लेकिन मेरी कहानी पर भी एक हिट फिल्म बनाना। अच्छा टाइटल रहेगा। तो फिर यहाँ होंगे कन्याएं आ गई। बच्चों आप जरा मेरे हाथ भी देखो। अभी अपनी ड्रेस तो पहन। हाय राम मैं तो भूल ही गई थी। लाओ लाओ पलंग पहन लागू। देख 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 भाग पड़ते शिबाबू, भाग 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 मेरे मोटे लल्ला। आप यहाँ बैठी गाना गा रही हैं हाँ, और हम आपको हर जगह ढूंढ रहे हैं। मैं यही बैठी थी। आंटी आंटी हम दोनों बहुत मुश्किल में हैं। हम लोग बहुत मुश्किल में हैं। अरे मेरी लफड़ी, अरे मेरे गुलाब जामुन, अरे मेरे बच्चे मुश्किल में। क्यों क्यों बोलो बोलो। आंटी हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या जरूरी बात? जी जानती हैं कोतवाल अंकल सीमा के डैडी हैं। हाँ? और मेरे गार्जियन। हाँ? मेरे डैडी ने मरते वक्त वसीयत की थी कि मैं अगर कोतवाल अंकल की मर्जी के खिलाफ शादी करूंगी। हाँ? तो सारी जायदाद का वारिस कोतवाल हो जाएगा। हाँ, ना? हाँ? और वो आंटी वो माना कि आकाश आपका भांजा है, फिर भी अंजू की जायदाद होने से दोनों को काफी फायदा हो जाएगा ना। अरे सबको फायदा होगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अंजू की बात को आप और अंजू की बात तो मैं समझ गई। अरे नटखट तू अपने बारे में बोल। हाय 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 शर्माती है बोलना। अरे बोल।
बता देना अंजू। अरे मेरी मुनिया शर्मा की। अंजू बेटा तू ही बोलते ना। आंटी सीमा का भी शेखर के साथ बड़ा तगड़ा इश्क चल रहा है। इश्क हमेशा तगड़ा चलना चाहिए। आप मेरी बात छोड़िए ना आंटी, इसकी बात कीजिए। बता दो कल रात वाली। गाड़ी हो तो कम डन मैडम कम डन। मेरे ख्याल में यही बंगला है। हाँ कुछ ऐसा ही लगता है। मेरे ख्याल में अच्छा होगा आपकी बजाय अगर मैं अंदर जाकर देखूँ तो। क्यों हम सही जगह पर नहीं आए क्या? मेरे ख्याल में अगर आपके भांजे साहब कहीं बाहर गए हुए तो। आप अपना ख्याल अपनी जेब में रखिए मिस्टर एडीसी और जाके कमरे का इंतजाम कीजिए। हम आकाश से खुद मिलेंगे। चलो मिलें। मेरे ख्याल में मेरा ख्याल ठीक था। ये जाना पहचाना सा लगता है। कौन सा नाम आंटी? केदारनाथ राय बहादुर केदारनाथ। ऐसा लगता है यहाँ कोई नहीं है। आपका तार पाकर बाहर चले गए होंगे। हाँ हो सकता है। लेकिन आंटी आपने झूठा तार क्यों दिया? मैं चाहती थी हम अचानक यहाँ आकर देखे कि ये साहबजादे कुछ पढ़ लिख रहे हैं भी कि नहीं। मम्मी तुम ऐसा करो तुम यहाँ ठहरो मैं अंदर जाकर देख कर आती हूँ। तुम मम्मा को बिल्कुल भूल गए थे। नहीं मम्मा क्या पता था हमारी इस तरह से मुलाकात हुई। मम्मा हैरत हो रही है 20 साल बाद तुम्हारी आवाज सुनकर। मेरी आवाज उमा? मेरी वो आवाज कॉलेज की वो शाम फिर वो दंगा फिसाद मेरा घर मेरी माँ मेरा सब कुछ लूट गया था। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। उसके बाद मुझे शहर छोड़ना पड़ा। मेरी वो आवाज जिसमें तुम जान दिया करते थे उसी किसी अमीर ने अपने पैसों के सहारे खरीद लिया लेकिन वो भी मौत के हाथों लूट गया। मुझे मजबूरन अपने पिता की मर्जी पर एक अमीर बाप की बेटी से शादी करनी पड़ी लेकिन वो भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रही। मुझे सब कुछ मालूम था लेकिन मैं क्या करती। आंटी आधा बर्थ है। अरे मैं तो बताने भूल गया ये घर मेरा है। अच्छा। मेरे बेटे के दोस्त आकाश की आंटी आई हुई है। आकाश की आंटी? लेकिन आंटी सीमा का मामला तो हो ही जाएगा। मेरे मामले में जरा कानूनी अड़चन है। कानूनी अड़चन? जी। कैसी? अगर आप कोतवाल अंकल से बात करें तो। मैं? हाँ प्लीज आंटी। मैं बुढ़ी बेसहारा औरत क्या कर सकती? आंटी आप क्या नहीं कर सकती। आपको तो सिर्फ इतना करना है कि डैडी से एक चिट्ठी पे लिखवा लीजिए कि उन्हें इन शादियों से कोई एतराज नहीं। हाँ कोई एतराज नहीं प्लीज। प्लीज आंटी। आंटी आप नहीं चाहती हम आपकी बहू बन के आए। अच्छा चलो ठीक है मैं उनसे बात कर लूंगी। मुझे तुमसे कुछ काम है अकेले में। अकेले में? हाँ तो चलो मेरे घर बातचीत भी कर लेंगे और खाना भी वहीं खा लेंगे। अकेला मन तो यहाँ पर भी है ना। माफ कीजिएगा बेगम सलमा आप हैं
बेगम नसीम अब्दुल रशीद। और आप इनकी भांजी हैं मिनी। आताब। माफ कीजिए, हम यहाँ से गुजर रहे थे, इतने में बंगले पर नजर पड़ी, नाम कुछ जाना पहचाना सा लगा, इतने में राय साहब मिल गए। क्या बात है बेगम सलमा, आपके दुश्मनों की तबीयत नासाज है क्या? क्यों कह रहा हूँ, अपनी पार्टी चाहूंगा। ओ माफ कीजिएगा, आप हैं रिटायर्ड फौजदार सिंह कोतवाल, आप अपनी लड़कियों के साथ यहाँ बेगम साहब से मिलने के लिए तशरीफ लाए हुए हैं। वो किस पार्टी का जिक्र कर रहे थे आप? अजब खाई पार्टी, अभी तो सभी जाएंगे, सभी तो खाएंगे। मुझे बड़ी खुशी है इस पार्टी की, यूँ कह रही हूँ कि बड़ी खुशी है। आंटी समझ में नहीं आता ये बेगम सलमा है कौन, होगी कोई चुड़ैल, देखा कि हम नहीं आ रहे तो किसी को पकड़ के लाए, लेकिन लड़कों ने जो मिलकर हमारी शक्ल बनाई है उसके लिए हम इनको कभी माफ नहीं करेंगे। का खाना खिलाए तो मेरे से मुर्गा मुर्गा चल रहा है, मुर्गा मुर्गा ये बोल मरवा देगा। अरे बिचित्र बाबू, कमाल की हो तुम, कोतवाल के ऐसा नाच नचाए, ऐसा नाच नचाए। एक बार जब हम मिटिन में फंस रहे। एक मिनट, ये सब मैं बाद में सुनूंगा, इस वक्त तू जल्दी से जाकर मेरे लिए टैक्सी ले आ। टैक्सी? हाँ टैक्सी, जाना। अबे तू कहाँ भाग रहा है यार, तुझे शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी थोड़ी और मदद कर देता तो हमारा सारा काम बन जाता। कौन सा काम? तूने सीमा और अंजू से वादा किया था कि तू कोतवाल से इजाजत दिखा लेगा। तब बात और थी, तब मैंने नहीं आई थी। उस गरीब से तुझे क्या प्रॉब्लम है? अबे ये वही लड़की जिसे मैं बंबई में मिला था। तो क्या हुआ? आखिर मैं भी उससे प्यार करता हूँ, मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ, लेकिन मैं जा रहा हूँ। और अगर कोई पूछे कि आंटी कहाँ गई तो बोला बीमार पड़ गई, मर गई सुसरी। सलमा क्या हुआ सलमा? जी वो आंटी को चक्कर से आ गया। चक्कर? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर? लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर। टैक्सी आ गई साहब। अरे टैक्सी आ चली चाहिए, मैं डॉक्टर को यही बुलाता हूँ टेलीफोन करके, तुम इसे उठाकर ऊपर वाले कमरे में ले आओ। न्यू एरिया हो, ले आओ ले आओ। अरे ले आओ ऊपर वाले कमरे में, न्यू एरिया हो, ले आओ। अरे शेखर तुम यहाँ? बस दीदी तुम ऊपर जमा आया था। आंटी ऊपर अंकल के साथ। तुम्हें क्या लगता है शेखर, क्या आंटी उनसे इजाजत नामा ले लेंगी? सीमा तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? ए शेखर मामला गड़बड़ है। क्या हुआ? वो दोनों ऊपर अकेले हैं और कोतवाल ने मुझे और पर्वत को बाहर निकाल दिया। सलमा सलमा मेरी जान, होश में आओ, देखो मैंने तुम्हारी खातिर सबको बाहर निकाल दिया है। न्यू कह रही हो बाहर निकाल दिया है। क्या कर रही हो? बदनाम हो जाएंगे। अरे बदनाम होंगे तो क्या नाम न होगा? हाय मेरी जान, बस दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। न्यू कह रही हूँ कि दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बस बस कहने तो ये चोट ले, तुम बेवफा हो। ऐसा ना कहो सलमा, न्यू कह रही हूँ ऐसा ना कहो। अच्छा पापा नहीं कहूँगी, लेकिन पहले तुम एक वादा करो। चलो करता हूँ, न्यू कह रही हूँ करता हूँ करता हूँ। ठीक है, मुझे एक इजाजत नामा लिख के दो कि हमारी शादी से पहले मेरे दोनों लड़कों की शादी तुम्हारे दोनों लड़कियों के साथ होगी। यूँ कह रही हूँ आकाश के अंजू से और शेखर की सीमा से। लेकिन हमारी मोहब्बत के बीच में ये इजाजत नामा कहाँ से आ गया? यूँ कह रही हूँ इजाजत नामा कहाँ से आ गया? मोहब्बत और तुमसे सलमा, यूँ न कहो, भगवान के लिए ऐसा न कहो, ऐसा न कहो। ठीक है खोतू, मैं
नहीं कहूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे इजाजतनामा लिख के दो ना। इजाजतनामा? तुम्हारे लिए इजाजतनामा मेरी मोहब्बत से बढ़कर है क्या? मेरे को तू मेरी जान अभी लेकर आता हूँ अभी। और सुनो, इजाजतनामे पे दस्तखत जरूर कर देना, वरना मैं जिंदगी भर तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। ओए सलमा मेरी जान, इसके बाद तो हमारी शादी हो जाएगी ना। यूँ कह रही हूँ, शादी हो जाएगी ना। मेरे राजा, अभी नहीं, अभी जाओ। यूँ कह रही हूँ, अभी जाओ। सलमा जाऊँ, यूँ कह रही हूँ जाऊँ। मैं फौजदार सिंह कोतवाल, फौजदार सिंह कोतवाल इजाजतनामा लिख रहा हूँ कि अंजू की शादी आकाश के साथ और सीमा की शेखर के साथ करने में कोई एतराज नहीं। इतनी लंबी उम्र है आपकी, हम अभी अभी आपको याद कर रहे थे। वैसे तभी तो ठीक है ना आपकी? बेहतर है। अभी अभी हम आपके मरहूम शोहर नवाब फातिहुल्लाह खान साहब को याद कर रहे थे। सुना है, बड़े कलेजे वाले इंसान थे। हाँ। याद न दिलाइए। मगर क्यों? मगर सुनिए, हम जब उनसे मिले थे तब उन्होंने कहा था कि उनकी कोई बीवी भी तो नहीं है। निहायत लीचड़ झूठे और बेईमान इंसान थे वो। मेरा मतलब वक्त-वक्त की बात है। वैसे अगर आपकी इजाजत हो तो हम आपसे एक जाती सवाल कर सकते हैं? कीजिए ना, कीजिए। आपके कितने औलाद हैं? जी हाँ, बताइए ना आंटी। औलाद, औलाद, बच्चे, बच्चे। हाँ, बहुत है गुजारे लायक, लेकिन सब के सब तो बहुत नालायक। हेलो आंटी, आपकी तबीयत कैसी है? हाय, तबीयत का क्या, मौत से पहले अपनी हमसे निजात पाए क्यों? क्या आवाज पाई है। वैसे हमने आपकी आवाज की सोच की बहुत तारीफें सुनी है ब्राजील में। आप हमें भी कुछ सुनाइए ना। नहीं, वो मैं पहले गाती थी, आजकल मेरा गला बड़ा खराब हो गया और हम तो जानते हैं कि उम्र के साथ साथ गला भी बैठ। तो हम ऐसा करते हैं बेटा, मिनी तुम्हें कुछ सुना दो।
आंटी, क्या हुआ है आपको? मेरा गाना अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, अच्छा था, बहुत अच्छा था। यूं ही जरा मेरी तबीयत घबरा गई थी। कोई अच्छे से दवा ला दूं आपके लिए? नहीं नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा आंटी, एक बात बताइए, राय बहादुर साहब के बारे में क्या ख्याल है आपका? मेरा ख्याल? आपको पता है राय बहादुर साहब और हमारी आंटी कभी एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, और अब परसों बाद वो प्यार फिर से जाग उठा। अच्छा मुझे देखकर बताइए, क्या लगता है आपको? लगता है तुम्हें भी कभी किसी से? जी, पता नहीं क्यों आपके सामने दिल खोल देने को जी चाहता है। पता है, आज से 2 साल पहले एक लड़का मेरे बीमार पापा के पास आया करता था। रुपए पैसे से भी हमारे हालात अच्छे न थे। वो रोज आकर पापा के साथ ताश खेला करता और जानबूझ के हजारों रुपए हारता जाता। डॉक्टर उससे बात की तो वो कहते, ऐसा खेल पापा की सेहत के लिए अच्छा है। कुछ दिनों बाद पापा भी नहीं रहे और लड़के का भी कुछ पता नहीं चला। काश वो मुझे मिल जाता तो मैं उसकी सारी रकम वापस कर देती। मेरा ख्याल है वो ये रकम कभी वापस नहीं लेगा।
काश मैं उसे बता सकती कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। अगर कोई तुम्हें बता दे कि वो कहाँ है तो मैं अपनी सारी जिंदगी उसे दे दूँ। सच? सच। मैंने अब सहा नहीं जाता, मुझे मेरी जिंदगी वापस लौटा दो। मैंने विचित्र मैंने मैंने ये क्या हो रहा? कौन हो तुम? आंटी ये वही है जिनका मुझे इंतजार था। मुझे पहले ही शक था, लेकिन ये सब क्या हो रहा? देखिए मुझे माफ कर दीजिए। कैसी माफी? मैं आपको सब बता दूंगा, एक मौका दीजिए। मैं ये सब कुछ मैंने अपने दोस्तों की खातिर किया। मैं आपको सब बता दूंगा, एक मौका दीजिए। ए सलमा आ गया बुढ़ाओ। कौन है? तुम बहुत चैन भी नहीं लेने देते, क्या है? अरे मैं हूँ फौजदार सिंह कोतवाल। यूँ कह रही हो कोतवाल? हाँ मेरे खोतू। अरे दरवाजा खोलो ना। खत ले आए? ले आया हूँ मेरी जान। और सुनो उस पे दस्तखत किए ना। यूँ कह रही हूँ दस्तखत। अरे कर दिए मेरी जान, अब दरवाजा तो खोल दो। अरे खोलती हूँ, इंतजार करो। कर रहा हूँ क्या? कपड़े बदल रही हूँ। वो खत तो पहले अंदर तो आने दो। नहीं, याद है मैंने क्या कहा था? जब तक तुम मुझे पक्की इजाजत लिख के नहीं दोगे मैं तुम्हारे सूरत नहीं देखूंगी। हाँ मैंने पक्की इजाजत लिख दी है, ये लो। अब तो बात पक्की हुई ना। हाँ। यूँ कह रही हूँ पक्की हुई ना। हाँ। नीचे जाके सबको बोल दो। सच अगर मैं इन शैतान लड़कों की बातों में आ जाता तो कितना बेवकूफ बनता। देख लो बेगम सलमा के करोड़ों रुपए हाथ से जाते हैं। देखो नसीम अब और शर्मिंदा न करो। आंटी आपने अंकल को देखा? कौन? लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बहुत बड़ी खुशखबरी, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी खुशखबरी। मैंने मंजूर कर लिया है, यू कह रही हूँ मंजूर कर लिया है अंजू की शादी आकाश के साथ और सीमा की शादी शेखर के साथ। और इसके बाद यही मेरी उजड़ी हुई दुनिया में बहारे लेकर आएगी। बेगम सलमा ने मेरा हाथ थामना कबूल कर लिया है। तुम चुप रहो जाए। बेगम सलमा अब आ भी जाओ ना। अरे वो टोपी पहन ली। हाँ चुप रहो जाए। मैं आकाश की आंटी ब्राजील से आई जो अमेरिका के पास है। धोखा, तू कह रही हो कि सरासर धोखा? बदमाश, मैं तुझे धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। तू कह रही हो कि धक्के मार के निकाल दूंगा? कोतवाल साहब आप खाम खा नाराज हो रहे हैं, इस बच्चे को माफ कर दीजिए। मुझे बेगम नसीम ने सब कुछ बता दिया है, ये तो अपने दोस्तों के कहने पे शरारत कर रहा है। शरारत नहीं छोड़ूंगा। नू कह रहा हूँ कि एक एक को बंद करवा दूंगा। ये शादियाँ नहीं होंगी। कह रहा हूँ कि शादियाँ नहीं होंगी। लेकिन आप ये इजाजत नामा लिख कर दे चुके हैं। इजाजत नामा तो मैंने बेगम सलमा के नाम लिखा। क्या मुझे मिल चुका? जी मैं बेगम सलमा। सलमा आ रहा। झूठ? नहीं। तू कह रही हो सरासर झूठ? नहीं। दिल्ली तक पहुंच जाऊंगा। तू कह रही हो दिल्ली तक पहुंच जाऊंगा? हाँ, कोर्ट कचहरी हाई कोर्ट। तू कह रही हो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाऊंगा। नहीं छोड़ूंगा, एक एक को नहीं छोड़ूंगा, एक एक को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा।
मुझे माफ कर दीजिए बेगम साहिबा। माफ कर दें आपको? जी। बेगम साहिबा जी। उर्फ विचित्र सिंह साहब, वो अंगूठी उठाओ। जी। हमें नहीं, मिन्नी को पहना दो।